हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं आज के दिन का मौसम। मौसम हल्के बादल वाला है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बारिश हो नहीं रही है पहाड़ों में। तो सभी किसान भाई तो यही उम्मीद लगा बैठे हैं कि बारिश कब होगी, बारिश कब होगी, क्योंकि हमारी फसलों में बहुत बुरी हालत हो चुकी है। जो हमारे सेब है, नाशपाती है, उसमें साइज़ में कमी रह रही है बारिश की वजह से, तो अच्छा सेब नहीं बन पा रहा है। जब तक बारिश अच्छी नहीं होगी तब तक अच्छा क्वालिटी का सेब भी तैयार नहीं होगा। तो देखते हैं, ये तो कुदरत का खेल है, बारिश कब होगी कब नहीं होगी ये तो पुरवाला ही जानता है। तो सबसे पहले मैंने आज सुबह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कपड़े भी धो कर डाल दिए हैं और अब मैं ऑफ़िस के लिए रेडी हो चुका हूँ। अब मुझे ऑफ़िस जाना है। ये देखिए, तो जाते जाते मैं आपको दिखाऊँगा अपना किचन गार्डन। किचन गार्डन में हमने क्या क्या लगा रखा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। तो पहले तो यहाँ देखिए कपड़े धोकर डाल दिए हैं। तो बाकी हम पियर्स का साइज़ चेक कराता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये भी हमारे गार्डन किस में ही लगी है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये हमारे मीठे करेले यहाँ पर लगे हैं। यहाँ थोड़े से कद्दू है और थोड़े से हमने यहाँ पर खीरा बीजा हुआ है। ये देखिए, तो ये देखिए जो हमने सर्दी के टाइम में रेड ब्यूट के जो प्लांट लगाए थे वो भी अब लग गए हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ये देखिए, यहाँ से वहाँ तक ग्रोथ जारी है और कुछ में थोड़ी कम है ग्रोथ। और चलिए आज आपको दिखाते हैं आगे जो मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ लगाए थे, शिमला मिर्च, बैंगन और टमाटर, उसमें क्या पोजिशन है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारे मिर्च जो तेज़ मिर्च होती है, तो ये है, तो थोड़ी सी मुरझा गई है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, उसकी वजह से मुरझा गई है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर बैंगन के बूटे लगे हैं और यहाँ पर देखिए ये भी साइड में बैंगन लगा रखा है हमने। और यहाँ पर देखिए हमारे शिमला मिर्च भी हमारे यहाँ पर लग चुकी है छोटी छोटी। ये देखिए, छोटी छोटी हमारे यहाँ पर शिमला मिर्च लग चुकी है और बैंगन भी लग गया है। ये देखिए, ये देखो जी, बैंगन भी हमारे पास यहाँ लग चुके हैं। ये देखिए आप, तो बारिश आएगी तो ये हमारे पास, हमारे मैं और मम्मी रहते हैं घर में, तो हमारे हम दो के लिए काफ़ी है इतनी सब्जियाँ। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो ये भी सूख जाएगी। और देखिए, इस बार की शिमला मिर्च काफ़ी अच्छी लगी है। ये देखिए, ये देखिए आप, बहुत अच्छी लगी है। तो कुछ इस तरह से हमने लगा रखी है। तो टमाटर हमारे सूखने के कगार पर है, तो टमाटर हमारे लगे हैं पर अभी पके नहीं है। तो ये देखिए, टमाटर यहाँ पर लगे हैं। ये भी देखिए आप, ये देखिए, ये तीन चीज़ें हमने अपने किचन गार्डन में लगा रखे हैं। तो ये है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक हमने सारे में लगा रखे। ये तो आपको दिखाना था कि हमने जो सब्जियाँ लगाई थी उसकी ग्रोथ कैसी है, क्या पोजीशन है, वो आपको दिखाने जा रहा था। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके साथ साथ यहाँ पर दिखा देता हूँ पौधे की कंडीशन। ये देखो, लास्ट ईयर का पौधा लगा था, इसमें यहाँ पर पत्तियाँ निकलने शुरू हो चुकी थी, वो सूख चुकी है। बाकी ये देखिए, ग्रोथ ज़ीरो में। ये देखिए, ये हाल हो चुकी है सेब के, बारिश है नहीं और पत्तों में भी ये देखो ये हालत हो चुके थे, ये पहले के हो चुके थे ये। तो ये है हमारा आज का किचन गार्डन, तो जो मैंने आपको दिखाया। तो सभी लोग कहते हैं कि आपने जो सब्ज़ी लगाई थी उसके बारे में भी थोड़ा सा दिखाओ कि आपके ने जो मेहनत की है वो आपके रंग लाई या नहीं। तो मेहनत तो हमने काफ़ी की है, वैसे भी हम थोड़ा थोड़ा पानी दे देते हैं जब पानी होता है, बाकी जो वर्षा होती है उसकी कुछ और ही बात होती है, क्योंकि आसमानी बारिश से बहुत अच्छी नमी रहती है, तो जो हम खुद से सिंचाई करते हैं उसका उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलो, थोड़ा सा सूखे से बचाने के लिए भी पानी डालना ही पड़ेगा, क्या करें। तो चलिए दोस्तों, मैं तो ऑफ़िस की तरफ निकल रहा हूँ। तो आज की इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही, आपको अपना किचन गार्डन दिखाना था। तो आई होप सब आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको हमारा किचन गार्डन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं चलता हूँ ड्यूटी पर, बाय।